400 ग्राम गीला अफीम व एक स्कॉर्पियो वाहन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। अफीम तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने शुक्रवार की तड़के बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समीप स्थित शेरे पंजाब होटल के पास से दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है। 400 ग्राम गीला अफीम, विभिन्न कंपनियों का दो मोबाइल फोन व तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर का स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त किया गया है। चतरा शहर के लाइन मोहल्ला व छठ तालाब इलाके का रहने वाले गिरफ्तार तस्कर सन्नी कुमार साव व नीरज कुमार। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आकी गई है। इस संबंध में सदर थाना कांड संज्ञा 231 दिनांक 15 जुलाई 2022 व भादवी की धारा 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि समाहरणालय के पास शेरे पंजाब होटल है, उसके समीप एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो है जिसमें लोग हैं, कुछ संदिग्ध लोग हैं जो अफीम के कारोबार से संलिप्त हैं और वह इसी पर्पज से वहां आए हुए हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनी, उसमें थाना प्रभारी सदर एवं अन्य पदाधिकारी सम्मिलित थे। टीम ने जब वहाँ छापेमारी की तो वहाँ दो व्यक्ति उस गाड़ी से पकड़ाए। दोनों व्यक्ति ने अपना नाम क्रमशः सन्नी कुमार साह और नीरज कुमार बताया। दोनों चतरा शहर के ही रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 400 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई है, जो अफीम जैसा पदार्थ है, प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है इसकी, और साथ ही दो मोबाइल भी जब्त हुआ है या गाड़ी भी जब्त हुई है, आप देख सकते हैं बगल में है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।